हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये ब्लॉग पिछले ब्लॉग से ही स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग मायापुर पहुँच चुके हैं, होटल भी ले लिया और लगेज वगैरह रख कर हम लोग होटल में खाना खाकर हम लोग निकल चुके हैं। और गाड़ी जो है हम लोगों ने मंदिर में ही पार्क किया, क्योंकि वहीं पर पार्क करने की जगह है। और यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी वाली जो ऑटो होती है, टोटो उसको बोलते हैं, तो वो हम लोगों ने बुक किया है। और अभी हम लोगों के पास टाइम 2 घंटे का टाइम है, क्योंकि 6 बजे मेन मंदिर का आरती होता है। तो अभी 4 बज रहे थे, तो हम लोग ने ये सोचा कि साइड वाले जितने सीन हैं ये हम लोग घूम लेते हैं। तो क्योंकि 2 घंटे भी टाइम है, फिर और करते भी क्या, और घूमने आए हैं। तो मौसम भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, सुबह से बारिश हुई पर अब जो है बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी, हल्की हल्की धूप भी निकली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आए थे राधा कृष्ण का भी छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ पर तो मोबाइल अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने किसी तरह यहाँ पर वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। तो बस यहाँ तक ही मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को एंड किया था यहाँ पर। और बस यहाँ पर टीका भी लगा लिया है, और जगह जगह पे आपको ये टिकट लगाने वाले मिल जाएंगे, तो हम लोगों भी ने लगा लिया। और बस इसके बाद हम लोग यहाँ पर उतरने ही वाले थे, तो वहाँ के लोगों ने बोला कि अभी फ़िलहाल बंद है, थोड़ी देर के बाद ये खुलेगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए कि रिटर्न में आने के टाइम ये सब देखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर एक राजा का किला ही बोल सकते हैं, मतलब घर होता है ना उस टाइप का था। अभी फ़िलहाल ये मिट्टी के सामान में हो चुका है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईंटे की दीवार रखी हुई है। तो फिर भी जो टोटो वाले भैया होते हैं, वो जो गाइड करने वाले, तो वो लोग बोले कि आप लोग देख के आओ कि यहाँ पर राजा रहता था, मतलब कोई राजा था, मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रास्ता तो शायद अभी बना होगा, पहले का नहीं है, क्योंकि पूरा खाली मैदान है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोगों ने देख लिया कि आए हैं तो देख ही लेते हैं, और नहीं तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब लोग भी नहीं थे, जिसको देखना होता वो देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ही बड़ा सा ही मतलब ईंटों का ही मतलब रास्ता बना हुआ, शायद ये कुछ था पहले, लेकिन फिर भी तभी का बनावट देख लीजिए, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे तो लग रहा है ये ईंटें पहले मिलती थी कि नहीं, अभी भी अभी के ईंट से ये ईंट बिल्कुल थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी पतली पतली और बड़ी बड़ी है। और ये रास्ता बिल्कुल गोल गोल चक्र घूम रहा था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, फालतू में हम लोग का 10-15 मिनट यहाँ पर वेस्ट हुआ। फिर भी देख ही लिया कि जो भी है इस तरह कुछ था पहले, बोलते हैं कि नीचे ये समा चुका है मिट्टी के अंदर। तो यहाँ पर कुछ हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किया, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये मतलब बहुत जगह पे, यहाँ पर मायापुर में छोटी छोटी मंदिरें बहुत आपको मिल जाएंगी साइड में, तो ये जगन्नाथ का मंदिर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो इधर भी छोटी छोटी कांच के अंदर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है कैसे जगन्नाथ मंदिर बना, किस राजा को कैसे सपने में जगन्नाथ भगवान ने उन्हें सपने में आए, वो बोले कि मेरा मंदिर बनाओ, तो यही यहाँ पर डिटेल में आपको दिखाया गया है। तो जगन्नाथ भगवान ने जिनको सपने में दिए थे कि समुद्र में जाओ, एक लकड़ी मिलेगी उसे लेकर आओ और फिर मेरा जो है मूर्ति बनाओ, तो यही वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में आपको दिखाएंगे कि लकड़ी को लाया गया समुद्र से, फिर उनका जगन्नाथ मंदिर मतलब भगवान का रूप दिया गया, मतलब सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ जी का। तो यही वहाँ पर इस कांच में छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाकर आपको डिटेल में समझाया गया है। और यहाँ पर शिव पार्वती थे, और बस तो यही सब है। और आगे आपको दिखाते हैं जगन्नाथ मंदिर, तो चलिए। और यहाँ पर भी कुछ कुछ लिखा हुआ था, वो सब मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेने की कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा वीडियो भी ना बने और मैं बहुत कुछ आपको दिखा भी सकूँ। तो सारी चीज़ें मैं नीचे क्या लिखा हुआ तो मैंने नहीं दिखाया। तो बस उसके बाद आगे बढ़ते तो एक छोटी मोटी यहाँ पर दुकान भी लगी हुई है, सारी मेन्यू चार्ट सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और मंदिर अभी बंद था, पर्दा लगा हुआ था, क्योंकि 4 बजे पूरे 4 बजे ये ओपन होता है। तो 5 मिनट अभी बाकी थे चार बजने में, तो हम लोग रिटर्न जा रहे थे। तो फिर बोला कि नहीं, 5 जब आए हैं तो 5 मिनट हम लोग बैठ ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बोले कि नहीं अभी जस्ट खुलने ही वाला है। तो बस हम लोग वहाँ नीचे बैठ गए कि ना दर्शन करके ही जाते हैं। तो बहुत लोग इंतज़ार में अभी बैठे हुए देख सकते हो, और यहाँ पर भी फ़ोटो वीडियो ये सब लेना मना था। तो फिर हम लोग अभी पर्दा खुल चुका है, तो बस मैंने अपना ही कुछ मैंने वीडियो बनाया था, सोच कोशिश किया मैंने कि मैं बनाऊंगी, पर नहीं, वहाँ पर मना कर रहे थे और साफ साफ वहाँ लिखा भी हुआ था, तो मैं दिखा नहीं पाई। अभी यहाँ पर आरती चल रही है।
तो आरती होने के बाद हम लोग अब जाने लगे, तो रिटर्न मैंने जल्दी से ये छोटा सा क्लिप लिया और प्रसाद वगैरह लेने में काफ़ी लेट था और हमें और भी जगह पर जाना था और फिर 6 बजे से हमें मेन मंदिर का जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ की आरती भी देखनी है। तो वही हम लोग फटाफट कर रहे थे, कहीं भी ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देते, सिर्फ दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि इतना याद भी नहीं रहा, क्योंकि 5 से 10 मिनट का ही हम लोग टाइम दे पा रहे थे, तो इतने देर में हम लोग देखेंगे या क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद इधर हम लोग आ गए तो यहाँ से भी और पैदल चलते चलते तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग गौशाला में, तो यहाँ अंदर भी बहुत कुछ है और वैसे भी जितनी सारी चीज़ें हैं सबको भी हम लोग पूरे अच्छे तरह से नहीं देख पाए थे। तो यहाँ भी देख सकते हो बहुत अच्छी जगह है, मतलब सच में एक अच्छी सबसे यहाँ पर सारी जगह पर लग रही है कि साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये सब तो पूरा डिटेल में अंदर में मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बाहर से मैं ही ये सबको दिखा रही हूँ। और तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर छोटा सा पहाड़ बनाया गया है, कृष्ण भगवान जो थे वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देखने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर है राधा कुंड, इसको शायद बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग सोच रहे थे दूर से कि क्यों भीड़ क्यों लगी हुई, हमको लगा मुझे लगा कि ऐसे ही पोखर में है कोई हाथ पैर धोने के लिए जा रहा है, फिर बाद में चला नहीं से राधा कुंड है और यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जिसको देखने के लिए और खाना वगैरह देने के लिए बिस्कुट वगैरह सब यहाँ पर देते हैं। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने के लिए, नहीं दिखा पाई। तो इसमें कम से कम 2 फुट 3 फुट की मछलियाँ थी, बहुत ही मतलब देखने में अच्छी लग रही थी। और ये सब बिस्कुट वगैरह उनको दिया गया है, तो यहाँ पर बोलते हैं इसका जल लेना चाहिए सिर पे, तो वही मैंने यहाँ पर जल लिया और हस्बैंड को अबीर को सबको दे दिया। मम्मी पापा थोड़े दूर में थे तो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे। ओ बाबा देखो देखो कितना बड़ा मुंह है, अरे ऑटो ढाले जाते इसके लिए खंडे चलो चलो। आज सब लोग ये वाला पूरा शहर मारा कुदा गलो ना दिखने अंधेरे का लक्ष्य। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, उसी कैंपस में हैं अभी और इधर का भी बहुत एरिया में कुछ कुछ बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर सब कोई फ़ोटो वीडियो ले रहे थे, तो माँ का भी फ़ोटो शूट यहाँ पर चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो माँ के फ़ोन से मैं कर रही हूँ, हस्बैंड अपने फ़ोन से कर रहे हैं और मेरे फ़ोन से वीडियो बन रहा है। तो ये सब चल रहा है, यहीं पर चल रहा है, बहुत अच्छी जगह आप देख सकते हो। और पापा एक साइड में बैठे हुए हैं देख सकते हो आप, क्योंकि उनको उतना ये फ़ोटो वीडियो ये सब पसंद नहीं है। तो बस हम लोग ने वहाँ पर फ़ोटो वगैरह लिया, फिर हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते गए। देखिए ये बहुत बड़े एरिया में एक ही जगह पे, अभी फ़िलहाल हम लोग एक ही जगह पे घूम रहे हैं, बहुत एरिया में है देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे में क्या है। ये स्पेशली कृष्ण जी के लिए ही बनाया गया है पूरा एरिया, गौशाला राधा कुंड और यहाँ भी अंदर में भी कुछ कुछ छोटी छोटी हैं। और यहाँ एक बड़ी सी हॉल है, तो यहाँ भी कृष्ण भगवान का ही बनाया गया है। चलिए आपको दिखाती हूँ बाय, अगर वहाँ भी अलाव नहीं होगा तो फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो यहाँ भी अलाव तो था नहीं, मैं वीडियो यहाँ पर बना रही थी तब तक मुझे पीछे से किसी ने बोला कि नहीं फ़ोटो वीडियो नहीं बनाइए। तो फिलहाल ये डांस चल रहा था तो ये मैंने बना लिया, सिर्फ हरे कृष्ण की मतलब चल रही यहाँ पर। तो बस उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले और फिर हम लोग वही तो बैटरी वाली गाड़ी पे हम लोग बैठे और फिर नेक्स्ट जगह पर गए। तो ये नरसिम्हा की है जहाँ पर जो इस हिरण्यकश्यप को बनाया गया मारा था, तो वही है। बाहर से तो ये हमें लगा लेकिन अंदर से शायद कृष्ण भगवान की ही थी। और नहीं, समुद्र मंथन का पूरा डिटेल यहाँ पर बनाया गया है, तो वो सब तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और पास में शिव जी का भी मंदिर था, तो वो सब अंदर हम लोग पहले ही मना कर दिया कि नहीं फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले, फिर चाय पिया और फाइनली अब हम लोग शाम हो चुकी थी और फिर हम लोग चाय पीकर होटल में गए। सोचा कि ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे पर उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, 6 बज चुके थे। तो यहाँ हमें इस्कॉन मंदिर में आना था
तो भीड़, मतलब जब हम लोग उधर ही घूम रहे थे तब से लोगों की मतलब भीड़ शुरू हो गई थी जाना, रास्ता बिल्कुल जाम हो रहा था, हम लोग बहुत लेट हो गए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग जल्दी से मुँह हाथ धोकर आए और यहाँ लोगों की भीड़ आप देख सकते हो जाना। हाँ हाँ ऐसा लोग भी आया है। तो कैंपस के अंदर ही आप लोगों ने भीड़ देखा कितना है और चारों तरफ हरे कृष्ण का जाप चल रहा है, कि जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी दूर पे, थोड़ी दूर पे ये सब चल रहा था। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अपना जूता चप्पल सब जमा करने के लिए। तो यहाँ ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब व्यवस्था है जूता चप्पल रखने की, जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ दान पेटी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, नहीं तो बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल रखने का भी है, पर पता नहीं मोबाइल का चार्ज लगता है या नहीं, शायद फ्री है, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल पापा को देकर रख दिया था, वो नहीं गए थे अंदर, बारी बारी से हम लोग गए थे इसलिए। तो चप्पल जमा कर दिया था और यहाँ पर फिर हम लोग अंदर गए, बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया। भीड़ तो बहुत अभी थी, फिर भी अच्छे से दर्शन हुआ, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमें रहा नहीं गया गर्मी से। थोड़ी देर के बाद हम लोग निकल गए कि बोले कि नेक्स्ट डे हम लोग देख लेंगे, और वीडियो तो नहीं बना सकते थे, फिर भी बाहर से हस्बैंड ने जूम करके लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर हम लोग होटल चले गए, खाना खाया और सो गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। तो अब अगले नेक्स्ट डे का ब्लॉग आपको अगले ब्लॉग में मिल जाएगा। बाय बाय।